Hey everyone, welcome back to my channel जो मैजिक टैरो। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। ओके, ये बोथ गर्ल्स और बॉयज सबके लिए है ओवरऑल। ओके, सो यहाँ पे तीन पाइल्स हैं, आप देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ द गॉगल्स, सेकेंड वन इज़ द क्लिप्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लायन। आप इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर लीजिए। यू कैन मेडिटेट ऑन दीज आइटम्स। आई होप आपने मेडिटेट कर लिया होगा। लेट्स एसेप्ट टू पाइल नंबर वन। हाई, वेलकम बैक पाइल नंबर वन। जिन्होंने भी ये ब्लैक ग्लासेस चूज किया है, ब्लैक आपका फेवरेट कलर, आपके पर्सन का फेवरेट कलर। ओके, एंड उनको गॉगल्स पहनने का शौक होगा। सो लेट्स चेक आउट योर कार्ड्स। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। आपका फोर ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट, आई एम सो सॉरी, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्स, आपका प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेंथ कार्ड एंड आपका नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो द जोडियक साइंस एसोसिएटेड विद दिस रीडिंग इज लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ही सन साइन यहाँ पे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा है वो है लियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और पाइसिस भी बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस, सो आपके जो काउंटर पार्ट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट, वो कौन है? ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने काम को और अपने जो लाइफ को हमेशा यू नो बैलेंस करने की कोशिश करते रहते होंगे। उनको वह बैलेंस कभी मिला नहीं होगा, इन द सेंस कि अपना जो पर्सनल लाइफ है और जो काम है हमेशा वो उसमें जगल करते होंगे। ओके, उनको समझ नहीं आता होगा कि ज़्यादा टाइम अपने घर पे देना चाहिए या ज़्यादा टाइम अपने काम को देना चाहिए, बट वो अपने काम को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। ये जो इस कार्ड से ये भी डिनोट करता है कि एट उनका बर्थडे हो सकता है, जे उनके नाम में हो सकता है, और अगस्त यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, और आपका अगस्त यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो उनके अंदर वो पोटेंशियल होगा कि आगे जाके वो सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे। अभी इस वक्त वो काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। ओके, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं या फिर किसी लीगल मैटर में हो सकते हैं किसी के साथ भी। ओके, दिस कैन बी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, दिस कैन बी अ डिवोर्स्ड पाइल, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, ये डिवोर्स पाइल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन, ये जो आपके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, ये काफ़ी पैशनेट होंगे, यू नो पैशनेट इन द सेंस कि सेक्सुअली काफ़ी पैशनेट होंगे आपकी तरफ, एंड एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते होंगे। ये आपका लियो सन साइन हो सकता है, उनका हो सकता है, आपके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं लियो आता होगा या एरीज सैजिटेरियस भी आता होगा। ओके, आप इनको पहले से जानते होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, दिस पर्सन कैन बी अ डिवोर्स्ड पर्सन। ओके, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, बहुत ही समझदार होंगे, क्लेवर होंगे, विजडम होंगे इनके अंदर। ओके, काफ़ी वाइज होंगे, ब्रिलियंट होंगे, इनको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होगा, किसी टाइप के स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं ये, इनके सामने बुक रखा हुआ है तो किसी टाइप के टीचिंग जॉब में हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। ओके, कोई सीए का एग्ज़ाम दिया हो, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। ओके गाइस, जहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड काम होता हो, या ये सीए कर रहे होंगे या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते होंगे काफ़ी बच्चों को, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। कोई
कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं ये पर्सन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली बताइएगा। जे उनके नाम में हो सकता है, बी उनके लास्ट नेम फर्स्ट नेम में हो सकता है, दिस पॉसिबल। ओके, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, उनको चीज़ों के बारे में पहले से ही पता चल जाता होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब के बारे में, फूल का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता होगा उनको, काफ़ी समझदार होंगे, उनको डिवाइन ने वो क्वालिटीज़ और वो चीज़ें उनके अंदर डाली होंगी, उनको आशीर्वाद दिया होगा। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, ये काफ़ी इमोशनल बंदा होगा, काफ़ी यू नो आपको याद करके काफ़ी रोएंगे, रोते होंगे अभी अगर आप इनको जानते हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, काफ़ी इमोशनल होंगे, वो जो रिवर है बिल्कुल रिवर से वो निकल के आ रहे हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इमोशनल रिलेशनशिप होगा आपका इस पर्सन के साथ। ओके, एंड विद द नाइट ऑफ सोर्स, जैसे मैंने बताया कि ये एक डिवोर्स्ड पाइल हो सकता है, डिवोर्स पर्सन हो सकते हैं, इनका डिवोर्स चल रहा होगा या चल चुका होगा, चल रहा होगा। ओके, एंड इनकी एक डॉटर हो सकती है विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, या फिर अगर नहीं है तो आपके साथ एक डॉटर इनकी होगी। ओके, जब मैरिज हो जाएगी आपकी, एंड ये जो पर्सन है ये लीगल मैटर से जा रहे होंगे, या फिर इनका ख़त्म हो चुका होगा, सारे टाइज इनके फैमिली से ख़त्म हो चुके होंगे। ओके, थर्ड पार्टी के साथ, और ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ट्रूथफुल होंगे, सच बोलने वाले होंगे, अपनी ज़बान से बहुत तेज़ होंगे। ओके, एंड डिसीजन मेकर होंगे, इनकी जो कम्युनिकेशन लेवल आपके साथ रहेगा वो बहुत क्लियर रहेगा, क्लैरिटी होगी बहुत, वो ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं करते होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ही समझदार होंगे। ओके, बट पैशनेट भी होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, रोमांटिक होंगे। ओके, नाइट आ गया तो काफ़ी रोमांटिक दो नाइट्स हैं हमारे पास, एक इमोशनल नाइट है और एक पैशनेट नाइट है, तो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करना आ जाएगा इनको आगे जाके। ओके, एंड अपनी बातें बहुत क्लियर कट बोलेंगे, आपको बताएंगे कि दैट दे लव यू, दे वांट टू बी विद यू। ओके, थोड़े से हार्श हो सकते हैं, थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, काफ़ी फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है इस पर्सन का, रेड इनका फेवरेट कलर, ब्लैक इनका फेवरेट कलर, ऑरेंज इनका फेवरेट कलर, पर्पल इनका फेवरेट कलर, ब्लू इनका फेवरेट कलर, काफ़ी ब्लू है यहाँ पे, हीलिंग चल रही होगी इनकी, हीलिंग से गुजर रहे होंगे या हीलिंग के सेशंस ले रहे होंगे किसी लाइट वर्कर से। ओके, एंड विद द प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी मैंने जैसे बताया कम्युनिकेशन, आप सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलोगे एक दूसरे से, और कम्युनिकेशन में ही आपका रहेगा, किसी मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी कोई भी मीडियम हो सकता है, लेटर्स के थ्रू, या फिर कोई टिंडर के थ्रू, या फिर कोई डेटिंग ऐप्स के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आप दोनों का काफ़ी कम्युनिकेशन बहुत ही खूबसूरत होगा। ओके, काफ़ी रोमांटिक होंगे, इनकी एक डॉटर हो सकती है या आपके साथ एक डॉटर इनकी आगे जाके हो जाएगी, और एक सन भी हो सकता है आपके साथ। ओके, इन वन ईयर गैप में हो सकता है। ओके, एंड आपके जो काउंटर पार्ट होंगे काफ़ी हिम्मत वाले होंगे विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, जब ये आपके पास आएंगे काफ़ी परेशान होंगे, काफ़ी दुखी होंगे, तो आप उनको देख रहे हो कैसे सरा रहे हो, टेम कर रहे हो आप, वैसे आप उनका ध्यान रखोगे, उनको बहुत प्यार दोगे, उनको अपना बनाओगे, आपका जो रिश्ता होगा काफ़ी ब्लॉसमिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत फूल है, तो आपका रिश्ता बहुत ब्लॉसम करेगा एक दूसरे के साथ। ओके, अगर आप पूछेंगे कि ये बंदा कब तक आपकी तरफ आएगा, डेफिनेटली ये 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी तरफ आ सकते हैं, हो सकता है कि अगस्त में आपकी तरफ आए, क्योंकि अगस्त यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, उनका बर्थडे अगस्त में आता हो, दैट्स पॉसिबल। ओके, सो या उनके सन मून राइजिंग में लियो हो। ओके, सो एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं किसी टाइप के, फेयर इनका कम्प्लेक्शन हो सकता है, वाइट इनका फेवरेट कलर हो सकता है, इनको कुर्ता पजामा पहनना बहुत पसंद हो, और इनको यू नो थोड़े से खुले कपड़े पहनने का शौक़ हो, ज़्यादा टाइट कपड़े इनको पसंद ना हो, जैसे कुछ लोगों को टाइट कपड़े पसंद होते हैं, वैसा नहीं होगा। ओके, एंड आपके दो किड्स हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, एक बेटा और एक बेटी, एंड या फिर इनकी एक बेटी फर्स्ट मैरिज से, एंड यू नो आपका एक सन हो सकता है इनके साथ, एंड या ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, बहुत ही अच्छा पाइल है ये। ओके, सो ऐसे ना सोचिएगा कि यू नो फर्स्ट मैरिज हो गई तो
वो बंदा गलत है। काफ़ी बारी बंदे अच्छे भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही बुरा होता है, लड़कों के साथ भी कई बार बुरा हो जाता है, कई बार अच्छे लड़के भी निकल जाते हैं। ओके, सो 8 मंथ्स में ये डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आपके काउंटर पार्ट। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। इफ यू नीड अ पर्सनल बुकिंग फ्रॉम मी डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल और इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज मैंशनड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स हिट अप टू पाइल नंबर 2। हे वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी क्लिप्स चूज़ किया, आपको काफ़ी एक्सेसरीज का शौक हो सकता है। गोल्डन आपका फेवरेट कलर, ग्रीन आपका फेवरेट कलर, पिंक आपका फेवरेट कलर, या फिर ये सब कलर्स आपको बहुत पसंद हो या आपके पर्सन को बहुत पसंद हो। अगर आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो देखते हैं आपके कार्ड्स कौन से। ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द डेविल कार्ड, आपका नाइन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपका टावर मोमेंट, ओके, टू ऑफ कप्स। ओके, सो आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो कौन है? उनका सनसाइन एरिस, लियो, सैज हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एरिस, लियो, सैज यहाँ पे है और कैप्रिकॉर्न भी ज़्यादा है और टॉरस भी ज़्यादा है। ओके गाइस, सो हैवी एनर्जीज इनके हैं ज़्यादा। ओके, एंड टावर भी हैं यहाँ पे। ओके, सो विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन, यू नो, आपके जो पर्सन है काफ़ी पैशनेट होंगे, काफ़ी यू नो सेक्सुअली ड्रिवन होंगे आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा। ओके, आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है इनका, और इन्होंने अपने डेविल एनर्जीज आपको दिखाए होंगे पहले। ओके, ज़्यादा ओवर पजेसिव होना, ओवर इंडल्ज इन लव रिलेशनशिप, ओवर इंडल्जेंस इन ड्रग्स, ओवर इंडल्जेंस इन आपका ड्रिंकिंग, और ये सारी चीज़ें जो बैड हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग, अपना ध्यान ना रखना और गलत चीज़ों में पड़े रहना, ईटिंग अलॉट, गलत चीज़ें खाना बाहर से। ओके, ये सब इसमें आ जाता है। सो इनकी जो डेविलिश एनर्जीज होंगी काफ़ी ज़्यादा, ओवर इंडल्जन करते होंगे चीज़ों में। ओके, जो आपको पसंद नहीं होगा थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली आप उनको बोल सकते हो। ओके, एंड वाई उनके नाम में हो सकता है, वी उनके नाम में हो सकता है, कोई भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में कहीं पे भी आ सकता है वाई और वी। ओके, एंड ये जो पर्सन होंगे काफ़ी पैशनेट होंगे, एंड ये एक टावर मोमेंट के थ्रू गए होंगे, इनका मैरिज ओवर हो चुका होगा कुछ लोगों के लिए, और या फिर एक ब्रेकअप हो चुका होगा इनका लास्ट पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टावर है तो दो, एक किंग और क्वीन है, उस टावर से गिर रहे हैं। हो सकता है उनको किसी ने धक्का दिया हो या फिर वो खुद गिर गए हों, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, और उस टावर से काफ़ी धुआं उठ रहा है। ओके, सो उस टावर को किसी ने जलाया होगा। ओके, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया होगा, या फिर किसी ने, या वो खुद ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते होंगे, ऐसा कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओवरऑल। ओके, सो जब ये अपनी सारी डेविल एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से हटा देंगे, बुरे लोगों को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, कार्मिक रिलेशनशिप्स को अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे, तब ये पर्सन आपकी तरफ एक मूवमेंट लेंगे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स होगा तो भी इनको काफ़ी मेंटल टेंशन रहेगा पुराने रिलेशनशिप के बारे में। इनकी एक डॉटर हो सकती है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, और ये एक न्यू स्टार्ट लेंगे अपनी लाइफ में, और ये आपकी तरफ आएंगे, काफ़ी मेंटल टेंशन और ट्रॉमा से ये गुजर रहे होंगे, आपको इनको संभालना पड़ेगा। एंड इनका जो यू नो इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत दुख देखा होगा, दुख झेला होगा, या हो सकता है थर्ड पार्टी का एनर्जी हो, द डेविल, डेविलिश एनर्जीज, ईविलिश एनर्जीज, और एक कार्मिक साइकिल से निकल रहे होंगे, एक डिवोर्स से निकल रहे होंगे, एक रिलेशनशिप से निकल के आ रहे होंगे, तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इनका कोई किसी तरीके का यू नो सर्जरी वर्जरी भी होगा, इनका हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज होंगी, वो सब ठीक हो जाएंगी आगे जाके। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी इज़ वेरी चार्मिंग, बहुत ही खूबसूरत होंगे ये दिखने में, इनका फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है, इनके जो आँखें हैं बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, इनका जो
यू नो फीचर्स हैं वो बहुत शार्प हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, ओके, काफ़ी शार्प फीचर्स हो सकते हैं. एंड ये जो पर्सन होंगे ये आपकी तरफ आएंगे, क्लैरिटी के साथ आएंगे, सच बोलेंगे. इनको सच बोलने वाले लोग ही पसंद है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को. इनको सच्चाई से चलना अच्छा लगता है, उनको वो झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, नार्सिसिस्ट लोग पसंद नहीं हैं, जो कंट्रोल करते हैं वो नहीं पसंद. तो विद द डेविल एनर्जी डेफिनेटली इनको काफ़ी कंट्रोल किया होगा किसी ने, या इनकी लाइफ ख़राब करी होगी, या इनके साथ बहुत गंदा बिहेवियर रखा होगा, इनको मारने पीटने की कोशिश करी होगी, या एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें से ये निकल के आ रहे हों, ओके. एंड ये जो पर्सन है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, ओके. काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप होगा आप दोनों का. आपका रिलेशनशिप जब आपके कोर्टशिप पीरियड में या फिर मैरिज से पहले ही शुरू हो जाएगा तो यू नो ही विल बी वेरी ड्रिवन टू यू, ओके. एंड आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो. लियो यहाँ पे काफ़ी यू नो प्रोमिनेंट है विद द टू ऑफ कप्स. आप लोग ऑफिस के थ्रू मिल सकते हो, किसी काम के थ्रू मिल सकते हो, पार्टनरशिप के थ्रू मिल सकते हो, बिजनेस में कहीं पैसा लगाया हो, किसी टाइप का पार्टनरशिप हो, किसी बिजनेस में आपका हाथ बटाएं ये, ओके, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट. या फिर आपका खुद का कोई इंस्टीट्यूट हो, टीचिंग इंस्टीट्यूट हो, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे आप लोगों को सिखाते हो, हीलिंग इंस्टीट्यूट हो, रेकी इंस्टीट्यूट हो, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट, ओके. सो वहाँ पे आप इस पर्सन से मिलेंगे, या किसी टाइप का चैरिटी करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके शेयर्स हों, उनके शेयर्स हों, समथिंग लाइक दैट, ओके. जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हो या कुछ मनी या पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे आप मिलोगे इस पर्सन से. एंड ये पर्सन काफ़ी आपको देखते ही पहली नज़र में इनको आपसे प्यार हो जाएगा, ओके. आपसे रेजोनेट किया तो डेफिनेटली मुझे बताएगा, या हो सकता है आपसे मिल चुके होंगे ऑलरेडी, या आप इनको जानते होंगे पहले से ही, ओके. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल विद द हायरोफेंट कार्ड दिस पर्सन कैन बी अ टीचर, अ प्रोफेसर, अ स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाले कोई हो सकते हैं, या फिर इनका जो यूनिवर्स से जो लेना देना है, यूनिवर्स से जो नाता है वो काफ़ी अच्छा होगा. इनका अर्थी मैटर से भी काफ़ी अच्छा होगा, यू नो रिलेशनशिप. इनकी जो उंगलियाँ होंगी काफ़ी लॉन्ग हो सकती हैं, इनकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है, इनकी बियर्ड हो सकते हैं, इनके मुस्तैच हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, इनके हाथ में राइट हैंड में टैटू हो सकता है एज पॉसिबल, और इनको वॉच का बहुत शौक हो, इनको डिफरेंट डिफरेंट शूज़ कलेक्ट करने का बहुत शौक हो, स्टाइलिश कपड़े पहनने का शौक हो, और बहुत ही वेल ड्रेस्ड हो, बहुत ही वेल मैनर्ड हो, बहुत ही डिसिप्लिनड इंसान होंगे ये, ओके. एंड इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया होगा तब जाके आपसे मिलेंगे, इन द सेंस कि दे माइट बी गोइंग थ्रू अ लीगल मैटर, दे माइट बी गोइंग थ्रू अ लीगल मैटर ऑफ प्रॉपर्टी और विद द स्पाउस और विद समथिंग एल्स, ओके. कुछ भी लीगल मैटर में फंसे हुए होंगे, उससे जब निकल के आ जाएंगे तब आपसे मिलेंगे, एंड वर्क के थ्रू ही आपसे मिलेंगे. कुछ काम से रिलेटेड आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, डेफिनेटली वो फर्स्ट टाइम आपको देखते हैं मेस्पराइज हो जाएंगे, आपकी आंखों में डूब जाएंगे. हो सकता है आपकी आंखें बहुत बड़ी हों, बहुत खूबसूरत हों, बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप, ओके. एंड आप विंग्ड आईलाइनर लगाते हो, दैट इज़ ऑल्सो फॉर सम पीपल, ओके. उनको बहुत पसंद आएगा आपका नेचर, आपसे बात करके उनको एक अंदर से खुशी मिलेगी. सोल कनेक्शन हो सकता है ये, क्योंकि हमारे पास हायरोफेंट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, काफ़ी अच्छा रिश्ता होगा ये. और इस रिलेशनशिप में आपका एक बेबी बॉय हो सकता है आप इनके साथ, और या फिर दो गर्ल चाइल्ड हो सकती है इस पर्सन के साथ. और अगर आप पूछोगे कि कब मिलेंगे ये पर्सन आपसे, तो डेफिनेटली जो लोग कॉलेज में हैं उनके लिए 2 ईयर्स, और जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या 4 मंथ्स के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपका रिलेशनशिप काफ़ी ब्लॉसमिंग होगा विद द टू ऑफ कप्स, क्योंकि वहाँ पे नीचे बहुत सारे फ्लावर्स हैं. बहुत ही खिलता हुआ रिलेशनशिप होगा, बडिंग रिलेशनशिप होगा आपका, और आपको वो चीज़ नज़र आएगी, दिखेगा कि डिवाइन की तरफ से आपको आशीर्वाद देंगे. एंजल्स ने आपकी इस रिलेशनशिप को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है, ओके. तो आप सुबह उठ के डेफिनेटली मेडिटेट कीजिए. जैसे ही आप मेडिटेट करोगे आपको ये चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करेंगी, जल्दी आपकी तरफ आएंगी, ओके गाइस. सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और अगर आपको पर्सनल बुकिंग्स चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, या फिर आपका इंस्टाग्राम के थ्रू, ओके. एवरीथिंग इज मेंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच. लेट्स हेड अप टू पाइल नंबर 3. हे वेलकम बैक पाइल नंबर 3. जिन्होंने भी लायन चूज़ किया, लियो आपका सन साइन, उनका सन साइन, और लायन देखना, लायन को छूना आप चाहते होंगे, ओके.
So let's check out your cards. ओके गाइस, सो लायन यहाँ पे है, तो लायन इनका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, आपका हो सकता है, लियो आपका सनसाइन, उनका सनसाइन, एरिस लियो सैज में से कोई भी सनसाइन हो सकता है। यहाँ पे जो सनसाइन मुझे दिख रहे हैं वो है लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सबसे ज़्यादा है इस रीडिंग पे, लीब्रा ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे, और आपका मेजर अरकाना द लवर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरिस लियो सैज जैसे मैंने बताया था। ओके गाइस, सो सन मून राइजिंग में आपके कहीं ना कहीं लियो आता होगा। ओके गाइस, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, और लीब्रा आता होगा। ओके, सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ओके, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनसे आपकी लव मैरिज ही होगी गाइस। ओके, आप काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते होंगे, या जब आप ही मिले नहीं हो तो डेफिनेटली मिलने वाले होंगे, आप दोनों लवर्स हो, आपको एंजल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट विद दिस कार्ड आई विल गो विद सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो आप, ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, जे उनके नाम में हो सकता है, ओके, टू उनका बर्थडे हो सकता है, टू, ओके, एंड फोर उनका बर्थडे, उनके बर्थडे में टू आता हो, फोर आता हो, टू काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एंड लीब्रा यहाँ पे है तो अक्टूबर में इनका बर्थडे आता हो, ओके, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट, टू काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, टू, फोर एंड आपका या टेन, टेन भी हो सकता है उनका बर्थडे। ओके गाइस, एंड विद द लवर्स कार्ड, ये पर्सन आप के साथ बहुत ही अच्छा है, इनका फिजिकल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा, ओके, आगे जाके, एंड आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे आपके बीच में एक अजीब सा अट्रैक्शन होगा, ओके, अलग सा अट्रैक्शन होगा जो आपको मिलते ही दिखेगा, जो लोग नहीं मिले हैं अपने काउंटर पार्ट से, और जो लोग मिल चुके हैं उनको ऑलरेडी ये फील होता होगा, एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते होंगे, आपको नींद कम आती होगी और आपको मॉर्निंग में 3 to 5 आपकी नींद खुल जाती होगी, आप एक दूसरे को 5th dimension में, 4th dimension में मिल सकते हो, 4th dimension में आपका ड्रीम्स में ये पर्सन आते हो, और 5th dimension में आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ, और काफ़ी बातें हो सकती हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, टेलीपैथिक रिलेशनशिप हो सकता है, टेलीपैथी काफ़ी ज़्यादा होगा, बातें करना, ओके, एंजल से बातें करना, डिवाइन से बातें करना, आपके स्पिरिट गाइड से बातें करना, उनसे आप मांगते होंगे इस पर्सन को, ओके, आपने मांगा भी होगा, दुआ मांगते होंगे कि ये आपकी लाइफ में आ जाए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल में अभी हैं किसी और के साथ, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो दिस पर्सन कैन बी विद समबडी एल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, टू या फोर मंथ्स में ये सब कुछ जो भी ड्रामा इनकी लाइफ में चल रहा है वो सब निकल जाएगा, हट जाएगा, वो जो जिनके साथ भी हैं, दैट इज़ अ कार्मिक साइकिल के लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे, ओके, वो पर्सन इनको कुछ भी नहीं देते, दे ओनली वॉन्ट जस्टिस, वो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट टेंडेंसी, दे विल किल यू, ओके, मौत के घाट उतारते हैं कार्मिक साइकिल के लोग, सो उनसे जितनी दूर रहे उतना बेटर है, तो वो चीज़ इनको खुद समझ आ जाएगी, या यूनिवर्स इनको साइंस देगा कि दैट पर्सन इज़ नॉट अ करेक्ट पर्सन फॉर यू एंड यू आर द राइट पर्सन फॉर देम, ओके, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा, कभी ऐसा हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं करते हो, दैट इज़ पॉसिबल फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए है, ओके, विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके बारे में काफ़ी ड्रीम करते हैं, आउट ऑफ द कंट्री रह सकते हैं ये, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा हों, ओके, वर्ल्ड आ गए हैं यहाँ पे, उनके हाथ में एक ग्लोब है, तो आउट ऑफ द कंट्री ये डेफिनेटली रह सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, US, UK, आपका कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, अफ्रीका, कहीं से भी हो सकते हैं, ओके गाइस, इन द सेंस कि वहाँ पे इनकी जॉब होगी, ये मैं बोल रही हूँ, ओके, सो आउट ऑफ द कंट्री होंगे, ये आपके बारे में काफ़ी सोच विचार करते होंगे, ओके, प्लान बना रहे होंगे आपकी तरफ आने के लिए, ये एक, इनके पास दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनका दूसरा ऑप्शन है,
तो ये सोचते रहते होंगे किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं, बट डेफिनेटली उनको डिवाइन काफ़ी, इनको काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज और साइंस दिखाएंगे कि यू आर देयर ट्रू लवर एंड ट्रू पार्टनर, और आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट कुछ भी हो सकते हो आप इनके साथ, तो वो डिवाइन उनको दिखाएगा कि आप उनके क्या हो। ओके, विद द जस्टिस कार्ड डेफिनेटली आपको, अगर आपके पास में बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, आपको जस्टिस मिल जाएगा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ओके, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ये किसी लॉ फर्म में काम करते हो, जज हो, पुलिस हो, किसी भी रिलेटेड टू जस्टिस सिस्टम में काम करते हो, कोई राइटिंग का जॉब हो, कोई कुछ भी हो सकता है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाले होंगे आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, उनको सच बोलना बहुत पसंद होगा, भाग फिर ट्रूथफुल होंगे। डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों मिलोगे, बट मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता है आप कब मिलोगे। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास जजमेंट आ गया, तो इनका डेफिनेटली किसी टाइप का लीगल सिस्टम में ये काम करते होंगे। ओके, डिवाइन जब चाहेंगे तो ये आपकी तरफ आएंगे, डब्ल्यू उनके नाम में हो सकता है, जैसे मैंने बताया जे इनके नाम में हो सकता है। ओके, एंड यू इनके नाम में हो सकता है, फर्स्ट नेम से लास्ट नेम में हो सकता है। काफ़ी यू नो इनकी काफ़ी झगड़े वगड़े हुए होंगे किसी से, थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी के साथ इनकी बनती नहीं होगी, तो ये जो पर्सन है वो अपने सारे स्वॉट्स को, मतलब सारे झगड़े उनके साथ यू नो सेटल करके एक बहुत आराम कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा यू नो रेस्ट कर रहे होंगे विद द फोर ऑफ स्वॉट्स। ओके, ये अब थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनका दिमाग बोल बोल के, लड़ाइयाँ कर करके, उल्टी पुल्टी बातें बोल के इनका दिमाग ख़राब कर दिया होगा, तो इनको थोड़ा सा शांति चाहिए होगा, तो मे बी इसीलिए ये आउट द कंट्री काम करते होंगे, ये दूर रहते होंगे कि ये सब चीज़ों में ना पड़े और इस इश्यूज़ में ना पड़े ये। ओके, विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस ये जो पर्सन है अपनी आँखों को बिल्कुल बंद करे, अपने हार्ट चक्र को क्लोज करे हुए बैठे होंगे। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा अंधेरी रात में ये सोचते रहते होंगे कि क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, ऑल दीज थिंग्स। ओके, इनको कुछ समझ नहीं आता होगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने इनका दिमाग इतना ब्लॉकेज कर दिया होगा, इनके सारे चक्रास क्लोज हो चुके होंगे, बिल्कुल इनको कुछ समझ नहीं आता होगा कि इस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ, कौन सा रास्ता सही है इनको समझ नहीं आता होगा, क्योंकि इतना मैनिपुलेशन गेम चला होगा, इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलिंग में इशू पड़ा होगा इनका जस्टिस सिस्टम में, कोई एक्सीडेंट केस में फंसे हुए होंगे, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट व्हेन जस्टिस कार्ड कम। और फॉर 10% पीपल दिस पर्सन कैन बी मैरिड, एंड इस पर्सन का लीगल सिस्टम में इनका थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ फिनिश ऑफ होने वाला होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन के कर्मा बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है इन्होंने अच्छा कर्म किया है, तो इनकी तरफ अच्छा अच्छा होगा। ओके, 2 to 4 months में इनका सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, या 10 महीने के अंदर अंदर ये उस थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अब थर्ड पार्टी और इनका जो रिलेशनशिप है वो स्टेलमेट का रिलेशनशिप है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टेलमेट्स वो होते हैं जिनके बीच में बहुत झगड़ा होता है, एक ऐसा एक बहुत बड़ा युद्ध जिसमें कोई नहीं जीतता। ओके, दोनों की बहुत लड़ाई होती है लेकिन उसमें कोई भी नहीं जीतता, सब लोग मर जाते हैं, ऐसा एक रिश्ता होगा इनका, सब कुछ मर चुका होगा इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। ओके, सो ऐसे होंगे, और जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा वो बिल्कुल शार्प होंगे अपनी बातों से। ओके, आपका एक सन हो सकता है इस पर्सन के साथ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द जजमेंट कार्ड। ओके, एक सन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए डॉटर हो सकती है, और ये काफ़ी यू नो रेस्ट करने में बिलीव करते हैं, जैसे अपनी फैमिली को टाइम देना, उन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। ओके, इनको कभी कभी डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, तो उसमें आप इनको हेल्प कर सकते हो। ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव हैं, अपने डिसीजन को लेके इनडिसाइसिव हो जाते हैं, और उसमें आपसे जब इन मिलेंगे तो इनका जो रिश्ता है वो और भी खूबसूरत हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लवर्स हैं, दोनों के बीच में काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप होगा, आप दोनों का कम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, एंड जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं उनमें से एक का रंग ढला हो सकता है, एक का रंग साफ हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बट रंग डजेंट मैटर व्हेन यू नो इफ़ यू लव समबडी, दीज आर यू नो बेकार की चीज़ें ये सब। जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं उनके साथ काफ़ी लोग रहते हैं, उसके बाद वो उनकी ऐसी तैसी करा देते हैं। ओके, सो
वो उनको चुने जो आपके घर में आपका काम कर सके, आपको हेल्प कर सके, आपको अपना माने, इक्वल गिव एंड टेक दे सके, जो आपको प्यार दे सके, आपको इज्जत दे सके, आपकी खुशियों में शामिल हो सके, वो नहीं जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के किसी और के साथ भाग जाए और फॉरेन जाके सेटल हो जाए। वो फालतू के लोग नहीं चाहिए आपको। ओके, दे के नॉट बी योर डिवाइन पार्टनर्स। ओके, दे आर कार्मिक प्रोडक्ट्स। ओके, कार्मिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, यू नो, कार्मिक साइकिल के वेस्ट प्रोडक्ट लोग होते हैं वो। ओके, जो ये सब हरकतें कर रहे होते हैं उनको उनका कर्मा मिल जाएगा। ओके, सो आपके जो डिवाइन पार्टनर है, जो रियल डिवाइन पार्टनर है, वो आपको काफ़ी चीज़ में हेल्प करेंगे, क्योंकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून वो हमेशा आपका साथ देंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ में। आप दोनों का कर्मा और लक बहुत अच्छा होगा, दोनों एक दूसरे के साथ आओगे बहुत ही लक्की होंगे आप दोनों एक दूसरे के। किसी टाइप का बिजनेस कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ओके, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी, आपका जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी मेंडिंग होगा। आपका जो सन होगा, जब आपका बेबी हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा इस पर्सन के साथ। ओके, डिवाइन ने आपको एक दूसरे के साथ जोड़ा है, ये मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल होगा, ये रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल होगा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ओके, इसी पर्सन के साथ आप एंड अप करोगे। ओके, यू विल एंड अप मैरिंग दिस पर्सन। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो हाई लेवल, और हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। आपसे रेजिनेट के तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएगा। अगर आप पूछोगे ये पर्सन आपसे कब मिलेंगे, आपसे 2 to 4 months में ये पर्सन मिल सकते हैं, या फिर 10 months में आपसे मिल सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है, और बाकी सब तो मैंने यहाँ पे कवर कर ही दिया है गाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।